मैंने किया है अपनी बहू का कत्ल। कत्ल की सूचना से उड़े गुड़गांव पुलिस के होश। सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 7 इलाके की है, जहां बहू के चरित्र पर शक के चलते 59 वर्षीय ससुर ने अपनी 23 वर्षीय बहू अमिता के हाथ पैर बांधकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर गला दबाकर हत्या को अंजाम दे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर कत्ल की जानकारी दे डाली। वही मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी ससुर देविंदर और मृतका के पति मुकुल को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो 2017 में मृतका अमिता का विवाह सेक्टर 7 में रहने वाले मुकुल के साथ हुआ था। हाँ, आज करीब 12:30 करीब एक हमारे कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि किसी महिला की अभी हत्या हुई है, और सूचना पा करके मैं मौके पे जब दलबल के साथ गया तो वहाँ पर देखा कि एक महिला जिसका नाम बाद में पता चला अमिता है, उसकी एज करीब 23 साल है, और वो बेड पे मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसका पति और उसके ससुर घर पे मिले और उसकी हमने अभी छानबीन में लगे हुए हैं। देखते हैं मर्डर कैसे हुआ है और क्या परिस्थिति थी और किस कारण से मर्डर हुआ है। इसकी हत्या करीब 11:30 के करीब बताई जा रही है, और सूचना पाकर के हम तुरंत मौके पर पहुंचे थे। जो स्थिति के ऊपर अभी ससुर और पति मिले हैं, अभी पूछताछ करेंगे और जैसे भी उसके परिजन आएंगे उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और पर्चा दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये बेसिक जावली गांव है, उधर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की रहने वाली है। उसके पिता से हमारा संपर्क हुआ है, और जब भी उसके पिता या उसके पेरेंट्स जो भी परिजन परिवार के आएंगे, जैसे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे आगे की कार्रवाई करेंगे।